फाइनली गाइस मैंने यूट्यूब का पेमेंट से इतना सारा सामान ले लिया है, और भी लेना है, बाकी है और भी लेना है, और अगले महीना को यूट्यूब का पेमेंट आ जाएगा तो तब और भी ले लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग सुबह सुबह इतना ज़्यादा कपड़ा वॉश करके धूप में सुखाने के लिए भी दे दिया है। यहाँ पे देखिए ना, बेतुल जी का, मेरा पापा का और छोटा भाई का भी कपड़ा पूरा धुला के हम लोगों ने धूप में दे दिया। अकेला हमने नहीं धुलाया, बेतुल जी भी धुलाया है। मेरी बहन तो खाना बना रही है, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी बना रही है। मैं तो आज खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि और भी मुझे काम है, और खाना खा के हम लोग को जाना है किचन का सामान लेने के लिए। कल भी गए थे हम लोग ना किचन का सामान लेने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया है क्योंकि वो जो भैया है ना दुकानदार, वो पिकनिक मनाने के लिए गया है। तो आज देखते हैं खोलते हैं कि नहीं, तो फिर भी जाके देखेंगे वहाँ पे। और हम लोग का फूनी 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 बेबी फूनी, कितना क्यूट है हम लोग का डॉगी फूनी। इसका नाम हमने रख दिया है फूनी क्योंकि इसका पिछुआरा भरा है ना, इसलिए हम लोग ने बुलाते हैं इसको फूनी फूनी फूनी। बर्फूनी एक्चुअली बुलाते थे, लेकिन बर्फूनी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए नाम इसका फूनी रख दिया ना फूनी। थोड़ा थोड़ा बस खाना खाता है ये, ज़्यादा खा तो नहीं सकती है। हाँ, बॉयल अंडा किया है हमने, पूरा फट गया है, अंडा भी निकल गया है, और यहाँ से सभी लोग खाना खा रहे हैं, लाइन लग गया है। मैं तो बाद में खाऊंगी। और यहाँ पे लिया है हमने इलिपन अप्पा, और यहाँ है मूली आलू बनाया है, और ये बॉयल अंडा भी खाऊंगी, सबके लिए एक एक दे दूंगी, और मेरे लिए दो बनाए हैं हमने, क्योंकि हम लोग हमने पूछा है सब लोगों से कितना खाओगे, सबने बोला है एक एक दो, में अकेला ही दो खाऊंगा, ये तो नहीं खाएगा। तो दोस्तों खाना खा के तो बहुत ही ज़रा टाइम हो चुका है, और मैं मार्केट में जाने के लिए भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे घर का सामान भी लेना है। और यहाँ पे बहन काट रही है इलिपन अप्पल, अभी खाएंगे हम लोग इलिपन अप्पल की चटनी। तो यहाँ पे मिर्ची खोत रहा, खाली जीजी को काम पे लगाई हूँ, आज मैं बस खाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी। वाओ गाइस, चटनी भी बन चुका है, मैं तो पहले से एक टेस्टी क्या, बहुत ही टेस्टी है। वाह, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग कैसा बा, ठीक बना, बहुत चुका। ये वाला खाना है, ये वाला खाना चाहिए था आपको, फिनिश कर दूंगा बोल के। और दोस्तों चटनी वगैरह भी खा लिया है, तो अभी जाएंगे दुकान में सामान लेने के लिए। और यहाँ पे मजाकी चल रहा है टुक टुक, और पुनी 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 आखिर पहुंच गए हम लोग, और दुकान भी खुला है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कढ़ाई, क्योंकि हम लोग के पास कढ़ाई अभी तक एक भी नहीं खरीदा ना, तो यहाँ से मैं पहले सबसे पहले देख लेती हूँ कढ़ाई यहाँ से। बढ़िया है, हाँ छोटा छोटा है वो, किसी काम का नहीं है, लेकिन ना ये मोटा है, ये पतला है। हाँ ये वाला बढ़िया है ये। भैया ये सारा दूसरा नहीं होगा, सलन हो गया। ये वाला उसका दागी निकल जाएगा, लेकिन दागी के लिए बोल रहा है। हाँ। दागी निकल जाएगा तो, पानी गिरा है तो। हाँ। पानी गिरा इसीलिए हुआ है। इसमें तरह बड़ा हो रहा है, इसमें सही हो रहा है, और मुझे लेना था ये वाला, और इससे और इससे ये थोड़ा बड़ा है, और यहाँ से चम्मच भी ले लेंगे, और भी लेना है चम्मच, वो देखते हैं सामान क्या क्या है। तो फिर से मैं यहाँ पे थाली देख रही हूँ, और दूसरा डिजाइन नहीं है भैया, थोड़ा ये थोड़ा ये उषा में चाहिए थे ना, वाला तो ठीक नहीं है आजकल, उठो लेता ही नहीं है कोई भी, ये छोटा है तो फैशन में है, सिंपल है, लेकिन सबसे पहले एक किलो देखिए, एक किलो
दूसरा वाला निकाल जाए ऊंचा ऊंचा वाला, और दूसरा डिजाइन का होगा भैया देख। मुझे तो थोड़ा पसंद भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऊंचा होने से अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ा वो होने से खा नहीं सका, मेरा चावल इधर इधर चला जाता है, इसलिए अच्छे से खा। हाँ मैं गिरता है ना इसीलिए। और मैंने यहाँ पे अपना कढ़ाई ले लिया है, एक तो अभी तक नहीं लिया है, बस सेलेक्ट करके रख रही हूँ, और भी बहुत सारा सामान लेना है शायद, और एक तो चार लेगा, चार तो ही लेगा। ये सिर्फ दाल लेने के लिए है ना, दाल दाल देगा, लेकिन चिकन भी अच्छे से आएगा। कितने ग्राम? 205 ग्राम लिखा है, लेकिन 201 ग्राम है बस, क्योंकि 4 ग्राम फैरने से थे। इससे छोटा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं, एक दो लोग आते हैं आने से देने से, दो लोग के लिए। हाँ दो लोग के लिए, तो मैं ये वाला भी पसंद किया, सफेद वाला ब्लैक वाला तो नहीं लेंगे, सही है वो। तीन कलर का होगा? तीन कलर? हाँ क्या कलर चाहिए? इससे कलर नहीं चाहिए, हाँ फिटिंग करने सकेगा। मैं फिर से यहाँ पे देख रही हूँ कुछ सामान, और भी सामान देखना है मुझे, तो देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। और मैंने तो यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, और यहाँ पे थाली चम्मच बाती और गिलास भी ले लिया है, और ये वाला, और भी देखना है, और यहाँ पे मैं कप देख रही हूँ, और देखते हैं कौन सा वो कौन सा कलर। ये सब सफेद है ना? सफेद है, लेकिन इसमें दागे नहीं होगा, दागे नहीं होगा ना, इसका प्रिंट भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेती हूँ, कितना होगा ये? 340 है, कम कर लीजिएगा, इतना सारा सामान ले रहा है, जब भी आता है इसी दुकान से ले लेता है। और मैंने ये वाला भी रख दूंगी, और ये वाला ले लिया, क्योंकि इसका फस ना वो ढक्कन नहीं है, तो यहाँ पे ढक्कन है, तो अभी रख देती हूँ सबसे पहले मैं इसको। और सामान वगैरह तो पैकिंग हो चुका है, बस हाथ में ये गिलास लेके जाऊंगी, और यहाँ पे है ना खराई, तो ये तो झूला में लेके जाएंगे, और भी सामान ले क्या लेके जाए समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अभी बाइक से झूला लेके जाती हूँ। यहाँ पे रख दिया है झूला, कितना आया बोल रहा है? 3000 कितना आया था? 3790 का बिल आया, देख लेते हैं कितना है पैसा। हाँ पैसा 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 चुप का पैसा निकाल तो रहे, एक एक करके अंदर पे ना। हाँ है यार पैसा, पैसा है। हाँ मालकिन है। तो सामान वगैरह तो मैं यहाँ पे सोर के जाऊंगी, बिकुल जी रहेगा, मुझे और चीनी लेना है, इतना ज्यादा घर का सामान और भी लेना है, और पता नहीं क्या क्या लेना है मुझे, आज पता चला भैया चीनी होगा, ओ सॉरी देखा भी नहीं मैंने, भैया बोल दिया है। हाँ चीनी खुला चाहिए, कितना है? 1 किलो दीजिए, 1 किलो दीजिए खुला। मुझे तो पता नहीं, आज पता चल रहा है मुझे, पैकेट में भी चीनी आता है। इसका दाम कितना है? और सामान वगैरह भी ले चुका है दोस्तों, चीनी वगैरह, और मुझे और भी सामान वो सामान वगैरह लेना है, मेरा छोटा भाई के लिए चप्पल भी लेके जाना है, तो वहाँ पे पता नहीं आज सुपर खुला है कि नहीं है, तो और मुझे ना वो काजू बादाम और किशमिश भी लेना है,
जहाँ पे काजू बादाम मिलते हैं ना वहाँ पे जाएंगे, वो खरीदने में ज्यादा नहीं खिट्टी फिट्टी का ही ले लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे हम काजू बादाम। बादाम दीजिए, बादाम और काजू और किशमिश। कहाँ गिर गया है। दीजिए दीजिए, बाद में बताएंगे। कितने में आएगा एक तो? 80 वाला है। और क्या है, लीजिए 150 रुपये। और यही दुकान से देख लेते हैं चप्पल। भैया चप्पल होगा? तो यहाँ पे मैं मेरा छोटा भाई के लिए मैं चप्पल देख रही हूँ पहन के, और पता नहीं कौन सा पसंद आएगा उसको। तो जो डिजाइन बोला था उसने वो डिजाइन तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये वाला चप्पल मैं अभी ले लूंगी, पता नहीं उसका पैर में होगा या नहीं होगा, नहीं होने से फिर से मैं वापस कर दूंगी। ये वाला है ना? नहीं, वो तो लिख के आता है। भैया काम कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग घर में पहुंच गया है और बहुत ज्यादा थक गए, क्या बताए गाइस। और यहाँ पे सामान वगैरह मैं लेके आई हूँ, और सबसे पहले तो मेरा छोटा भाई देख रहा है वो उसका चप्पल। चप्पल उधर नहीं होगा शायद, ये भी नहीं है। ये वाला होगा? हाँ ये वाला है उसका चप्पल। ये वाला क्या है? थाक 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 थाक। और यहाँ पे मम्मी देख रही है मेरा सामान। क्या सामान लेके आया? देख रहा है, देखो अच्छे से देखना। और इसमें भी है, इसमें गिलास कप वगैरह है, और इसमें कप है, इसमें गिलास है, ये क्या है, कढ़ाई है, चम्मच है, बाती है, है। तो गाइस थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सामान दिखाऊंगी। ये बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं इसको, थ्रेन है, क्या बोलते हैं थ्रेन। और यहाँ पे भी लिया छोटा वाला, एक दो लोग को लोग के लिए चाय या पानी देने के लिए। तो यहाँ पे हो चुका है ये वाला सामान। और ये थाली भी लिया है, छोटा वाला थाली दो लिया है छोटा बच्चों के लिए। और यहाँ पे है बड़ा वाला थाली, यहाँ पे लिया है कितना, 4। तो इससे एक किलो से भी ज़्यादा है ये। वो तो कितने में लिया नहीं पता, भैया ने हिसाब करके दे दिया। चम्मच लिया है 2, और भी लेना है। तो यहाँ पे है गिलास, इसको तो खोल के नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पे है कप, और इधर है कढ़ाई। और यहाँ पे है छोटा वाला बाती, या ये सब्जी वगैरह रखने में आसान होगा इसीलिए ले लिया। ये है इसको क्या बोलते हैं, सॉसपैन ना, पता नहीं क्या बोलता है। ये तो हो गया 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे है कुकीज ना, क्या बोलता पता नहीं, हॉकिन पता नहीं क्या बोलता है, जो भी है सब्जी वगैरह रखने के लिए। ये भी खोल के दिखाते हैं आप लोग को। और ये भी ले लिया है, ये सब्जी लेने के लिए। और ये तो थोड़ा महंगा पड़ गया इसका, मुझे पता वो भी भूल गया कितने में लिया है। और यहाँ है उसका ढक्कन, इस तरह से रखेंगे हम, इसमें तो वो चावल रखेंगे। और यहाँ पे है हॉकिन, हॉकिन। और यहाँ पे है वो कुकर, वो चावल बनाने के लिए पास लेता रही है, इसको खोल के नहीं दिखाएंगे। और इसको कैसे खोले, और यहाँ पे है रैक ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलता है इसको, रैक,
रेटना पता नहीं क्या है, बस यही कलर था, मुझे तो रेड वाला लेना था लेकिन वो कलर ख़त्म हो गया तो ये वाला लेके आई हूँ। अगर पैसा रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ। फिर भी मुझे अच्छा लगता है ये सफ़ेद और ये अच्छा कलर। ये तो नहीं दिखाएंगे, बस हो गया, मैंने बस थोड़ा सा सामान लिया, थोड़ा सा सामान के लिए हो गया मेरा 10-12 हज़ार के ऊपर हो गया है, क्योंकि सामान बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना। और ये वाला सबसे ज़्यादा दाम यही है, कितने में लिया था याद ही नहीं, भूल गया है हम, 5 लीटर वाला बहुत ही महंगा पड़ा है, सबसे ज़्यादा ये महंगा पड़ गया। ये तो 1000 का है, बाकी सब तो पता नहीं कितने में दिया है, और ये भी महंगा पड़ गया मुझे ये वाला, इसको मुझे बहुत ही पसंद है ये। और गाइस बहुत सारा सामान लेना है मुझे, अभी तो थोड़ा सा बस हमने लिया है, और भी बहुत ही ज़्यादा लेना है सामान, और पता नहीं और कितना ज़्यादा लेना। ये तो 2000 का माल है अंदर यहाँ पर, सब ज़्यादा होगा उससे भी, क्योंकि ये महंगा पड़ गया ना मुझे, तो इसीलिए। और भी थाली वगैरह लेना है, चम्मच लेना है, बहुत सारा सामान लेना है। नेक्स्ट पेमेंट आना चाहिए, हाँ अभी तो कितना पैसे को आ जाएगा ना पेमेंट, उसके समय भी ले लेंगे। फाइनली गाइस मैंने YouTube का पेमेंट से इतना सारा सामान ले लिया है, और भी लेना है, बाकी है और भी लेना है, और अगले महीना को YouTube का पेमेंट आ जाएगा तो तब और भी ले लेंगे हम सामान। अभी तो बस थोड़ा मरा ले लिया है, थोड़ा भी तो हो गया है, ऐसे 10-12 हज़ार के ऊपर हो गया है। तो दोस्तों मैं मामा के घर में गई थी खेत में, खेत को देखने के लिए, तो वहाँ पे ही मैं खाना खाई हूँ। और बितुल तो मेरा वीडियो को अपलोड करके भी ये भी आ चुका है, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, ये बस खाएगा। और यहाँ पे मम्मी सीम और बंदा गोभी बना के रख दिया है, और यहाँ पे आलू फूल गोभी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। तो आज तो मैं घर पे खाना नहीं खाई हूँ, मामा का घर पे खाना खाया है, वहाँ पे गए थे थोड़ा घूमने के लिए भी, और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने खेत किया था और खेती भी देखने गए थे। और गाइस बहुत सारा कमेंट आता है कि ससुराल में नहीं रहते हो क्या? नहीं गाइस, हम अभी ससुराल में नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम है, मुझे सरसों का खेती किया है, आलू का खेती किया, आप लोग तो वीडियो में देखा ही होगा। और वहाँ पे ससुराल में हम लोग नहीं रहेंगे, और अलग से हम लोग एक तो घर बनाएंगे तो वहाँ पे रहेंगे, और मेरा ससुराल वाले तो ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, हम मुझे तो अलग से रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदे हैं ना, इसीलिए हम लोग अलग से घर बनाएंगे। यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोग हैं सब लोग अलग से रहते हैं, सबका अलग अलग वो रिवाज होता है, तो हम लोग का भी है। और बड़ा वाला बेटा अलग से रहता है, हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, हम लोग सब लोग अलग अलग करके रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग हो गए ससुर सासू माँ को ससुराल वाले भूल जाएंगे, ऐसे नहीं है, और सबको देखते हैं। और जो जो जिसको कमेंट करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का ब्लॉग में फिलहाल यहाँ पे समाप्त करती हूँ गाइस, और आज तो बहुत अच्छा लगा मैंने, और किचन का सामान भी ले लिया है, और भी बहुत सारा बाकी है। तो आज के वीडियो को बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।